बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। तो टेंथ क्लास, आज हम ग्रामर का एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको समझना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदा रहने के लिए इंसान के जिस्म में खून होना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन का मतलब होता है बयान करने का तरीका। नरेशन का मतलब क्या होता है? बयान करने का तरीका, कि किसी चीज़ को बयान कैसे किया जाता है। हमारे पास दो नरेशंस हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन क्या होती है? अगर किसी ने किसी को बात कही है और उसे ये कहा है कि वो जाके किसी दूसरे को बता दे, अगर मैं ए ने बी को बात कही है कि मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ और तुम जाके सी को ये बात कह देना, अगर तो ए की बताई हुई बात बी विदाउट एनी चेंज सी को जाके कह देता है तो उसके कहने का अंदाज क्या होगा? डायरेक्ट नरेशन, यानी कि कोई चेंज किए बगैर अगर वो बात ए की कही हुई बी को वैसे ही पहुंचा देता है तो वो क्या है? डायरेक्ट नरेशन। अगर वो उसमें कोई तब्दीली करता है, ए ने बी को दो बातें कही थी, एक और दो, लेकिन बी ने जाके सी को तीन बताई, तो इसका मतलब उसमें क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज। इसलिए वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन। दूसरी बात, इसमें दो स्पीच होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को कोटेड स्पीच भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो स्टेटमेंट है वो कॉमास के अंदर होती है, इनसाइड द कॉमास पैक्ड होती है, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कोटेड स्पीच। क्या कहते हैं? कोटेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है? स्टेटमेंट आउटसाइड द कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे मैंने लिखा आई सेड टू हिम, कोई कॉमा नजर आ रहा है? नहीं। दूसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच, स्टेटमेंट इनसाइड द कॉमास, ऐसी स्टेटमेंट जो कॉमास के अंदर होती है वो क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच। और इसको यूं पढ़ लें, आई सेड ही इज अ डॉक्टर। आप ये दोनों पढ़ें तो आपको समझ आएगी, रिपोर्टिंग की भी और रिपोर्टेड की भी। आई सेड आउटसाइड द कॉमास है और ही इज अ डॉक्टर क्या है? इनसाइड द कॉमास। सो ये क्या कहलाई? रिपोर्टिंग स्पीच। और ये क्या कहलाई? रिपोर्टेड स्पीच। यहां तक बात समझ आ गई है? किसी को सवाल? कोई बहाम नहीं। डायरेक्ट नरेशन, अगर कई भी बात वैसे की वैसे कह दी जाए तो वो डायरेक्ट नरेशन है, अगर उसमें कोई बात बदल दी जाए तो वो क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन। रिपोर्टिंग स्पीच ऐसी स्टेटमेंट है, ऐसी लाइन है जो कि क्या है? कॉमास के बाहर होती है। और रिपोर्टेड स्पीच ऐसी लाइन है जो कॉमा के अंदर होती है। बात समझ आ गई है? अब रूल ऑफ चेंजिंग पर्सन, रूल ऑफ चेंजिंग पर्सन्स, ओके। ये पर्सनल प्रोनाउंस जो आपके पास आते हैं, अब इसमें रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग दोनों याद होनी चाहिए। याद रखिएगा, रिपोर्टेड क्या है? कॉमास के अंदर मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए तो वो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से बदलता है, वो रिपोर्टिंग के किससे बदलता है? रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड I am a girl. ये रिपोर्टेड स्पीच है, आपको पता ना I क्या है? फर्स्ट पर्सन, याद है ना? I क्या है? फर्स्ट पर्सन। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये है तो रूल के मुताबिक हम किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से। किससे बदलेगा ये? यहां क्या है हमारे पास? रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट ही, ओके। नेक्स्ट वन, दूसरा रूल है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए तो हम उसे रिपोर्टिंग स्पीच के क्या बदलते हैं? ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए तो हम उसे क्या करते हैं? रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। और आगे मैंने नोट लिखा है, ऑब्जेक्ट ना होने की सूरत में हम मी को ऑब्जेक्ट समझते हैं। बात समझ आई है? अगर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने ऑब्जेक्ट किसे कंसीडर करना है? मी को। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल यहां देखें,
He said to me, you are not a good boy. अब रिपोर्टेड स्पीच आपको पता है इनसाइड द कॉमर्स. तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया ये शी सेड आई एम अ गर्ल. तो आई जो है वो किसे चेंज होगा शी के साथ. ओके अब यहां दूसरी लाइन में देखें ही सेड टू मी यू आर नॉट अ गुड बॉय. यू जो है वो क्या है सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन किसे चेंज होगा रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से. यहां मी है यहां कुछ भी आ सकता है हिम भी आ सकता है हर भी आ सकता है देम भी आ सकता है ओके अस भी आ सकता है कोई ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है यहां पर. ओके अब अगर ये यहां पर नहीं है जैसा कि इस वाली अगर हम इसे थोड़ा रेज करके यूं कर लें तो इस स्टेटमेंट में क्या होगा कि यहां पर यू है लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है. सो हम क्या करें इसे हमने ऑब्जेक्ट से बदलना था. ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है. ही सेड उसने काम आगे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा. तो आपने खुद से अपने दिमाग में पेपर पे नहीं लिखना पेपर पे नहीं लिखना. ओके तो पेपर पे आप लोगों ने नहीं लिखना सिर्फ क्या करना है इसको जहन में रखना है. फिर आपने यू को किसके साथ चेंज करना है मी के साथ. रूल तो ये है आप मी के अलावा कोई भी ऑब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं. अस मी भी अस भी यू भी देम भी हिम भी और हर भी. रूल के मुताबिक आप कोई भी ऑब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं लेकिन आसानी के लिए एक ही याद रखना काफी है. ठीक है याद रहेगा एक ही याद रखना काफी और वो क्या है मी. और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता. ओके तो इसको याद रखने के लिए एक चीज लिखते हैं एस ओ एन. क्या चीज लिखते हैं एस ओ एन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड. फर्स्ट चेंज विद सब्जेक्ट सेकेंड चेंज विद और थर्ड नो चेंज. ओके जो हमने नीचे तीन रूल लिखे हैं उनको याद रखने के लिए याद रखिएगा. फर्स्ट किसके साथ चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के साथ और सेकेंड किसके साथ चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ और थर्ड नो चेंज. क्लियर ठीक है जी. अब इसे हम मिटा के बनाएंगे चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. क्या बनाएंगे चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. जी स्टूडेंट्स ये है चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीखने से पहले आपको ये याद होना चाहिए. जिसको ये याद है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 90% सीख सकता है. ठीक है जिसको नहीं याद वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सीख सकता. यूं मिसाल ले लीजिए कि एक प्याला है उसके अंदर एक मछली तैर रही है. ये वो प्याला है जहाँ पे आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना एक मछली की तरह तैर रहे हैं. ये प्याला टूटा तो मछली गिर के मर जाएगी उस बचेगी नहीं. ओके ये ज़रूरी है. अभी जब हम आगे करेंगे इसको सॉल्व तो आपको पता लगेगा ये कितना ज़रूरी है. फर्स्ट पर्सन क्या होता है बेटा जो आपसे गुफ्तगू कर रहा होता है वो क्या कहलाता है फर्स्ट पर्सन. गुफ्तगू करने वाला क्या कहलाता है फर्स्ट पर्सन. आई और वी यहाँ पे सिंगुलर क्या है आई और प्लूरल क्या है वी. मैं अकेला हूँ तो क्या है आई है और मेरे साथ अगर साथ साथ आके खड़े हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे वी हो जाएंगे. ओके यू जिससे बात की जा रही हो जैसे कि आप लोग मैं आपको यू कह के बुलाऊंगा ना. अगर आपको पुकारा जाए तो यू ही कहा जाता है. ओके थर्ड पर्सन फर्स्ट और सेकंड पर्सन मिलकर जिसके बारे में बात कर रहे हो वो क्या होता है थर्ड पर्सन. ये वहाँ पर मौजूद नहीं होता. ओके समझ रही है. तो इनके केसेस हैं सब्जेक्टिव केस पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस. ये आपको यूँ याद होना चाहिए मैं पूछूँ आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है तो आपको याद रहना चाहिए क्या है मी. क्या है मी. और यू का पोजेसिव केस क्या है योर. क्या है योर. ये याद रहना चाहिए आपको. ओके ये याद रहेगा तो आगे सबको जो है वो सॉल्व करने में आसानी होगी. अब जरा गौर कीजिएगा ये याद करने क्यों ज़रूरी है. ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ही सेज टू मी योर फादर इज़ अ डॉक्टर. ही सेज टू मी
योर फादर इज अ डॉक्टर, इसे अगर हम चेंज करेंगे तो देखेंगे क्या क्या चेंजिंग आती है। मैंने आपके आसानी के लिए कुछ ऊपर लिखा हुआ है कि से जो है वो इंडायरेक्ट में आते हुए भी सही रहता है, सेज भी वैसे ही रहता है। से टू किस में चेंज होता है? टेल में, और सेज टू टेल्स में। किस में चेंज होता है? टेल्स में। ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास योर फादर इज अ डॉक्टर। ही सेज टू मी, ही सेज टू की जगह क्या आएगा? टेल्स। ओके, ये नहीं पूछना सर ये टेल्स कहां से आया है, आपको पता होना चाहिए कि सेज टू जो है वो इंडायरेक्ट नरेशन में चेंज होते हुए क्या होगा। ओके, अब मी का मी आएगा और इन कॉमास की जगह हम लोग डेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉमर्स की जगह क्या आता है? डेट। ओके, अब ये क्या है? योर, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किससे चेंज होता है? रिपोर्टिंग के, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के साथ, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के साथ। जरा गौर से देखिए, अब चेंज करने का रूल क्या है? एक तो आपको ये पता लग गया ये पर्सन कौन सा है, और अब आपने इसका केस देखना है। कौन सा केस है? पोजेसिव केस। ठीक है, कौन सा केस है? पोजेसिव केस। साउथ, अगर ये पोजेसिव केस है तो जिससे मैं चेंज करने जा रहा हूं उस प्रोनाउन का भी मैं कौन सा केस लिखूंगा? पोजेसिव केस ही लिखूंगा। याद रहेगा जो केस इसका है वही केस हमने जिसे चेंज करने जा रहे हैं वही लिखेंगे। अगर मी है तो मी का पोजेसिव केस देखें क्या है? माय फादर। तो यहां पे लिख सकता हूं माय फादर इज अ डॉक्टर। बात समझ आइए? ओके, जो केस पहले आपने दो चीजें देखनी है, एक पर्सन और फिर उसके बाद उसका केस। पर्सन क्या है? सेकंड है। किससे चेंज होगा ये आपको याद रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट के साथ। केस क्या है? पोजेसिव, तो इसका भी हम क्या लिखने जा रहे हैं? पोजेसिव केस। कौन सा केस लिखेंगे? पोजेसिव केस। ये योर है तो मी का पोजेसिव केस क्या है? माय। वेरी गुड, अब जरा गौर से देखिएगा। आई से टू हिम ही इज a good student. I say to kya kya aayega? I tell him that ye kaun sa person hai? Third person. Kise change karun? Shukar Allah. Third person change nahi hota. Ye aise ka aise hi likha jayega. Okay? ये चेंज नहीं होता। क्लियर? एक और सेंटेंस लिखते हैं। दे से टू अस वी आर गुड प्लेयर। दे से टू अस क्या आएगा? दे की जगह दे और से टू की जगह टेल, अस कॉमा की जगह डैट। ये क्या है? ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। किसे चेंज होगा? सब्जेक्ट क्या है आपके पास? कौन सा सब्जेक्ट है? दे। ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। आप समझ आ रही है ये क्यों जरूरी है? आपको याद रहना चाहिए कौन से प्रोनाउन का केस क्या है और इसको चेंज करते हो तो उसका केस क्या आएगा। अगर ये याद नहीं है तो ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, जितनी देर मर्जी लगे रहें, साल हर साल समझते रहें, टकरे मारने वाला काम है। इसका समझना जरूरी है। वही क्या है? सब्जेक्टिव केस। ये याद रखना है आपने, ये याद रहेगा तो ये याद रहेंगे, वरना ये याद नहीं रहेगा। वी क्या है? सब्जेक्टिव केस। दे के साथ चेंज होगा तो दे ऑलरेडी क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो हम लिख सकते हैं They are good players. समझ आ गई है कि नहीं आई?
अब एक और जो बड़ी गलती होती है वो ये, ही सेज टू मी वी आर नॉट गुड प्लेयर्स. अब आप अपनी बुक्स उठाएंगे तो उसमें आपको ये यूं चेंज हुआ नजर आएगा, ही टेल्स मी डैट दे आर नॉट. अब ये फर्स्ट पर्सन था, चेंज हुआ ही के साथ. इसका केस कौन सा था? सब्जेक्टिव. तो ही का केस भी क्या था? सब्जेक्टिव. तो फिर हमने नीचे दे क्यों लिख दिया? क्या? हाँ, तो लॉजिक पेश करे ना सर. वो ज्यादा है तो ये क्या है? ये यहां ठीक है, ये रॉन्ग भी नहीं है. ये यहां ठीक है, रॉन्ग नहीं है. मैं पहले बता दूं, ये मत कहिएगा सर गलत आ गया, ऐसा कुछ नहीं है. ये ऐसे है कि ये जो है ये कौन सी फॉर्म में है? ये प्लूरल फॉर्म में है. ओके, तो जब हम इसे ही के साथ चेंज करेंगे तो थर्ड पर्सन की फैमिली में ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये क्या है? प्लूरल. तो हम प्लूरल को किससे चेंज कर रहे हैं? दोबारा से प्लूरल के साथ. इसके पीछे लॉजिक ये है. ओके, तो ये पूछ रहे हैं वहां ही था तो आपने दे क्यों लगा दिया? उसे भी जो केस इसका प्लूरल केस था हमने उसी फैमिली से प्लूरल केस लगा के चुना है और उसके साथ चेंज कर दिया. ओके जी, अब सबसे बड़ी गलती अक्सर बच्चे करते हैं जी, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी. सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू. और थर्ड पर्सन में? शी, ही, दे और इट. होता पता क्या है, बच्चे समझते हैं कि बस यही है. अगर उनसे पूछे ना माए कौन सा पर्सन है तो आप क्या बताएंगे? कैसे फर्स्ट के सामने तो मैंने सिर्फ आई और वी लिखा है. सेकंड फॉर्म है. ओके, वीडियो बन रही है, खुदा का खौफ करो. ये याद रखें, ये जितने भी इसके केस हैं, ये तो सामने से लिखी हुई है, सारी के सारी किस में आती है? फर्स्ट पर्सन में. चाहे वो मी है, चाहे वो अस है, चाहे वो आर है, चाहे वो माय है, चाहे वो आई है या वी है, वो सारे के सारे किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में. ओके, सेकंड पर्सन में क्या है? यू, योर, यू. ये सारे के सारे सेकंड पर्सन. ये नहीं कि सिर्फ पहले वाला यू और ये, इसे हम जानते ही नहीं है. इसी तरह ये रोल लिखा हुआ है, शी, हर, हर, ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम और इट, इट्स, इट. ओके, ये सारे के सारे क्या हैं? थर्ड पर्सन है, याद रहेगा जी.